रिंकी वाजपेयी, आप देख रहे हैं जगन न्यूज 24। 144 धारा की समाप्ति या वापसी का फरमान, उच्च न्यायालय का सम्मान तथा शिव भक्तों की जीत है, किसको लगा झटका। महाशिवरात्रि के अवसर पर इस बार शिव बारात समिति के द्वारा शिव बारात निकाली जा रही है। 18 तारीख को जिला प्रशासन के इस बार महाशिवरात्रि को लेकर बड़े ही धूमधाम से शिव जी की बारात एवं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अमित कुमार शर्मा, झारखंड, देवघर की खास रिपोर्ट। तो महाशिवरात्रि के अवसर पर इस बार शिव बारात समिति के द्वारा शिव बारात भी निकाली जा रही है कल 18 तारीख को, और जिला प्रशासन के द्वारा जो 144 धारा ये देखते हुए इन्वोक किया गया था कि कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स थे कि ये शिव बारात के रूट में अचानक कुछ बदलाव होने की संभावना था इस तरह का, लेकिन सामान्यतः लोगों में एक 144 के बारे में अत्यधिक जानकारी नहीं होने के वजह से वो थोड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो इस तरह का कोई संदेह नहीं हो लोगों में, इसको देखते हुए हम लोगों ने 144 को जो है हम लोग विड्रॉ कर दे रहे हैं जिला प्रशासन के द्वारा। लेकिन अन्य जितने भी पहले से जो चली आ रही जो जितने भी जो नियम है वो सारे रहेंगे और लागू रहेंगे, और रूट का किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। उसके संबंध में ऑलरेडी हम लोग शिव बारात समिति के साथ समन्वय में है और उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि लास्ट दो दिन में जो गैप रहा उसको हम लोग क्लोज करें, और अविलंब जितने भी अब लंबित फाइनल शेप जो देना है उसमें वो लोग साथ दे और इसको सफल बनाए भागीदारी के साथ। मनपन के संबंध में हम लोग बहुत पहले से जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि इस बार विशेषकर VVIP VIP आउट ऑफ टर्न इसको हम लोग बिल्कुल 100% रोक लगाए हैं, ताकि किसी निरंतर जलार्पण में कोई रोक नहीं हो। और साथ में ये जो सरकार भवन से लेकर BEd कॉलेज, मिशन चौक, तिवारी चौक, उसके बाद चिल्ड्रन पार्क, क्यू कॉम्प्लेक्स, सब जगह हम लोगों ने पहले ही सारे इंस्पेक्शन कर चुके हैं, किसी तरह का कोई अवरोध नहीं हो, और सभी जगह पर्याप्त मात्रा में दंडाधिकारी और जवान फोर्स पुलिस है, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य टीम भी है, सफाई टीम भी है, और NDRF टीम भी जो है, दो टीम हम लोग प्रतिनियुक्त किए हैं, एक शिवगंगा में रहेगी और एक मंदिर कॉम्प्लेक्स में रहेगी। और साथ में जो है शीघ्र दर्शन के लिए भी इस बार जो है मंदिर कॉम्प्लेक्स में एक होल्डिंग पॉइंट बना हुआ है, उसके बाद पाठक धर्मशाला में भी एक होल्डिंग पॉइंट है, नाथवाड़ी में भी होल्डिंग पॉइंट है, ताकि हर शिवरात्रि में शीघ्र दर्शन